आपने जिस तरह से ये पूरा कॉलिंग सहमत लिखा हुआ है, जिस पूरे दौर से आप गुजरे हैं, मैं चाहती हूँ आप शेयर करें पहली बार सहमत से कैसे मिल पाए, कैसी दिखती थी वो, क्या पहना था उसने, क्या कह रही थी आपसे। सो ये बात तो हुई 71 में, 71 के अंत में, 72 अर्ली में उन्हें ले आया गया होगा इंडिया में। मेरी मुलाकात सन 2000 में उनसे हुई और मलेरकोटला में मैं एक घर में सब लोकेट, मैंने दो डिटेक्टिव एजेंसीज अप्लाई नॉमिनेट की थी, हायर की थी, क्योंकि इनका पता नहीं लग रहा था। उनके ऑफिसर, उनके बेटे का पता लगाना बहुत सिंपल था, फौज में अगर कोई है तो उसके लिए डिटेल निकालना बहुत सिंपल है, वो छुट्टी कहाँ जाते हैं वो पता लगता था, रिकॉर्ड में रहता है, तो या तो कश्मीर जाते थे या मलेरकोटला। तो एक मुसलमान ऑफिसर मलेरकोटला क्यों जा रहा है, तो मैं पहले उनको एजेंसीज को बोला मलेरकोटला रिसर्च करिए, तो वो पता लग गया कि कहाँ रहती हैं। तो मैंने जाके उनके सुबह 9:45 के आसपास में, इसकी एक वजह है, मैंने नॉक किया तो ये बाहर आई तो बोलती हैं बताइए। तो मैंने कहा जी मैं कमांडर हरिंदर सिंह का हूँ, मैंने रिटायरमेंट के बाद में वर्ड कमांडर ऑलमोस्ट अपने रैंक से, नेम से हटा दिया है, नई जिंदगी है तो नए नाम से शुरू होना चाहिए। बट उनको बोला ताकि वो मुझे अपने घर में एंट्री दे दें। तो बोलती है बताइए। तो मैंने कहा मैं आपके ऊपर में कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इस तरह से एक बॉटल पानी की मैं लेके उनके घर के सामने, तीन सीढ़ियाँ थी छोटी छोटी, मैं वहाँ बैठ गया। लगभग 4:45 उन्होंने दरवाज़ा खोला। आप वैसे वहीं बैठे हुए थे जी। तो एक तो 6 फुट का फौजी, ऊपर से सरदार, ये थोड़े पागल होते हैं। तो बोलते आइए। तो मैंने बोला कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, आप तो कश्मीर के फलाना फलाना जगह से हैं और इतनी जायदाद है आपके पास में। तो बोलती है क्योंकि अब्दुल यहाँ रहता था। उनका अब्दुल कौन था? तो सईद का बहुत पुराना वफादार नौकर था। तो मैंने कहा सईद कौन थे? वो कहते मेरे इन लॉज थे। मैं क्या हुआ? कहते वो नहीं रहा है। क्यों, क्या हो गया उनको? बोलती मैंने उन्हें अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया। जब मैं उन्हें मिला था तो वो लगभग 60 फुट पे थी, तब भी उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उन्होंने एक आदमी के कुचले जाने की आवाज को सुना है। महसूस कीजिए एक औरत को जो कि इतनी पावरफुल नहीं है, पेटीट हैंड है, एक शायद मच्छर नहीं मार सके ठीक तरीके से, वो एक ट्रक के नीचे एक जिंदा आदमी को कुचल के चली गई। उनके जहन से वो बात निकल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कैसे कह दिया होगा, मैंने सुना कैसे सुन लिया होगा, बट लिखते लिखते मुझे जो तकलीफ हुई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बयान करना। यह है एक औरत जिसने अपने देश के लिए कहा आई एम सॉरी अब्दुल बट आई लव माई कंट्री मोर। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वो 2-3-4 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देती थी, बट मुझे जिस दिन इजाजत मिलेगी मैं कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा, ओरिजिनल नाम शेयर करना चाहूंगा। वो इतनी ज्यादा तपस्या करने लग गई थी, जो उनको वरदान कुछ मिला था, किताब में मैंने डिटेल में दिया है किस तरह से उसने किसी संत ने
आशीर्वाद दिया था। मेरे पास पिक्चर्स हैं जिसमें कि वो जब खड़ी थी तो मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रहा था, तब मतलब रील्स के कैमरा होते हैं, तो मेरे पास नेगेटिव्स हैं। लगभग 6 इंच उनके पांव जमीन से ऊपर थे। एंड शी सेड के इन चेस्ट इंग्लिश, डोंट रीड टू मच इनटू दिस, इट्स अ ब्लेसिंग। तो मुझे कहा कि आप मुझ पर फिल्म नहीं बनाइए, गुरु नानक पर बनाइए। तो मैंने कहा मैं सरदार हूं, पगड़ी पहनता हूं, नानक के बारे में नहीं जानता हूं। तो कहती यू विल नो, सो आई मेड अ फिल्म ऑन गुरु नानक। एंड शी वॉन्ट बी, मुझे बड़ा क्लियर शब्दों में बोला था ये जर्नी आसान नहीं होगी। गुरु नानक 30,000 किलोमीटर चले थे और 30,000 से ज़्यादा रोग्स से, बाबर जैसे एनिमीज के सामने उन्होंने तकलीफें पाई हैं। तो जैसे जैसे मैं फिल्म बनाता गया तैसे तैसे मेरी तकलीफें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि मुझे सिख पंथ से निकाल दिया गया। उन्होंने दो बातें बोली थी, ए, ये फिल्म बनाते समय किसी से पैसे मत मांगना, किसी के ऐसे हाथ में फैलाना, दूसरा इसकी कमाई घर नहीं आनी चाहिए। 40 करोड़ की फिल्म बनी, मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर हूँ एक कंपनी में, आज ग्रुप डायरेक्टर हूँ, पर 40 करोड़ होते हैं, मुझे ऐसे करने की नौबत नहीं आई, ये उसकी मेहरबानी थी। जिस आदमी को कभी कैमरा से ठीक तरह शायद फिल्म खरीदना खींचना ना आती हो, वो फिल्म 3 नेशनल अवार्ड जीत जाए, इंक्लूडिंग नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, ये उसकी मेहरबानी थी, ब्लेसिंग थी। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म एआर रहमान, रसूल पकुटी, थॉमस कांटेलिनन फ्रॉम हॉलीवुड, ये मैं आपको मिरेकल्स सुना रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, आपके अंदर में आपको फेथ रखना है। तंची सेज कि अगर आपको खुदा कर्म से नवाजे, बार बार बोलती थी। तो एक बार टीवी पर फ्लिक कर रहा था सर्फिंग चैनल्स, तो तेलंगाना की बात आ गई, वहाँ बताया कि 34 विलेजर्स ने, आदमियों ने, फार्मर्स ने सुइसाइड किया है। और उससे 15 मिनट पहले NDTV की टीम आई थी कि लुक तेलंगाना में लोग सुइसाइड कर रहे हैं, आप कुछ मदद करिए। तो मैंने कहा मैं NDTV पर भरोसा नहीं करता हूँ, आपके चैनल ने कारगिल में गलत एक जर्नलिस्ट को भेज के हमारे एक मेजर को मरवा दिया था। तो कह तो वो बड़े बड़े हैरान हुए, इतना बोल्डली मैंने NDTV की टीम को बाहर भेज दिया था। जी हाँ, मैं बरखा दत्त की बात कर रहा हूँ। तो वो चले गए, सर्फ कर रहा था तो NDTV पर ही तेलंगाना का प्रोग्राम आ रहा था, तो वहाँ देखा कि 34 लोग। तो मैंने अपने लोगों को बुलाया, उन लोगों को वापस बुलाया, उनसे माफ़ी मांगी कि सॉरी मैंने उल्टे शब्द बोलिए, लेट्स गो टू तेलंगाना। 2 दिन बाद हम तेलंगाना पहुँचे, तिमापुर नाम की एक जगह है यहाँ से 2 घंटा दूर, वहाँ पर जाके उस विलेज को अडॉप्ट किया और वहाँ पर वाटर के प्लांट लगाए, लेडीज़ का उनसे बात किया जो हैं। पर 3 बच्चे ऐसे थे जिनके दोनों माँ बाप गुजर गए थे, तो मुझे अंदाज़ा था सहमत क्या कहना चाहती हैं। आज मैं उन बच्चों का पिता हूँ और वो यहाँ हैं मेरे साथ में बैठे हैं, अभी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, स्वामी स्कॉलरशिप में है और विनोदा बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रही है और उसको समझ में है कि क्या करना है इस छोटी सी उम्र में, और नवीन थोड़ा सा नटखट सा है तो वो किसी और लाइन में जाना चाहता है। पर जो 4 सालों में इन बच्चों से मैंने सीखा है वो शायद सहमत की बदौलत है।